सबसे पहले खबर है कमर्शलाइजेशन फीस कीमत में खुर्दबुर्द का मामला। एलडीए अफसरानों अहलकारों के गिर्द मजीद घेरा तंग कर दिया गया। नैब हुकाम का मुलजमान के खिलाफ सप्लीमेंट्री रेफरेंस दाखिल करने की मंजूरी दे दी गई। तफसीलात जानते हैं, हमारे नुमाइंदे राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। राहिल आगाह कीजिएगा। जी नाशिया, लाहौर के जो डी जी नैब लाहौर है शहजाद सलीम, उनकी जेर सदारत जो है बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है तमाम किया गया था, जिसमें जो है तमाम सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इसमें जो अहम फैसले किए गए, जिसमें कहा गया है कि जो मुतद्दिद जो केसेज है उसमें रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें एल डी अफसरान और अहलकारों के खिलाफ कमर्शलाइजेशन फीस की मद में जो है मुबीना तौर पर करोड़ों रुपए की करप्शन पर सप्लीमेंट्री रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। जबकि पंजाब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अहदेदारों के खिलाफ भी इब्तदाई रेफरेंस दायर किया जा रहा है, जिसमें मुलजमान हाफिज सरफराज और मलिक सजाद पर जो है सोसाइटी के कमर्शियल प्रॉपर्टी में गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम है। इसके अलावा एक बड़ा केस था जिसमें 27 करोड़ की खुदकुश की गई है। आज खतीजा कॉमोडीज का जो केस है, इसके हवाले से भी मंजूरी दे दी गई है कि जो मुस्लिम है गुलाम मुस्तफा, उसके खिलाफ भी जो है रेफरेंस दायर किया जाए। तीन बड़े रेफरेंस जो है इनके दायर करने की मंजूरी दी गई है, और जराय का कहना यह है कि ये जल्द रेफरेंस जो है साबित अदालत में दायर कर दिए जाएंगे। शुक्रिया राहिल सैयद।